नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कर रहे हैं 12 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में मानवीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये 11 जनवरी को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर टेहमटन ई उदवाड़िया का कितनी वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो वो 88 वर्ष की आयु में जो है इनका निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रो के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया? तो महेंद्र सिंह धोनी ने जो है अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कश्मीर के पहले रचनाकार प्रोफेसर रहमान राही का कितनी वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो रहमान राही जो है वो 98 वर्ष के थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के लिए RBI की मंजूरी मिली है? तो वो है भारत पे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, भारत पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय के सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट लीग में जो है सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज जो हैं वो हैं सूर्य कुमार यादव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार 2022 में कौन सा शहर भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर रहा है? तो दिल्ली जो है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर जो है रहा है 2022 में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कृषि मंत्रालय की प्रमुख पहल ENEM इनिशिएटिव को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में नागरिकों की डिजिटल नागरिकता कैटेगरी में प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के 7वें संस्करण में विजेताओं को हाल ही में सम्मानित किया गया। तो ये दोनों ही कथन जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही सही हैं, ये भी और ये भी। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो अनुराग कुमार को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पेस किड्स इंडिया एक चेन्नई बेस्ड अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लॉन्च वाहन पर सरकारी स्कूलों की कितनी लड़कियों द्वारा बनाए गए अपने उपग्रह को लॉन्च करने जा रहा है? तो 750 लड़कियों द्वारा जो है बनाए गए उपग्रह को जो है ये लॉन्च करने जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हॉकी वाली सरपंच ने राजस्थान के गांव में किसानों को मजबूत करने हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो इन्होंने नाबार्ड के साथ ये समझौता किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग में जो है भारत 50वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय खो खो लीग 10 से 13 जनवरी तक कहां पर आयोजित होने वाली है? तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आयोजित होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पनामा के साथ राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने जो है वो पनामा के साथ राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने हेतु जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक धर्मशाला का चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो कुलदीप सिंह पठानिया को जो है कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक धर्मशाला का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ई हिमाचल पुलिस के कितने
पुलिस कर्मियों को वर्ष 2021-22 के लिए पुरुष पुलिस प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से अलंकृत किया गया है। तो वह चार पुलिस कर्मियों को जो है 2021-22 के लिए पुलिस प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से जो है अलंकृत किया गया है। तो ये थे आज के 12 जनवरी 2023 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।